जिस धरती ने जन्म दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, उस मकान को प्रणाम करना आपको मंजूर नहीं। राजनीतिक पितर का अपमान क्या भाजपा की कार्य संस्कृति है? गीता पर, भगवत गीता पर हाथ रख के बोलिएगा, चूंकि असत्य बहुत बोलते हैं। गंगा मैया ने बुलाया है, मोदी जी ने कहा था, तो वहीं से सीधा रोड है। बड़ी पटन देवी भगवती के चरण में शीश झुकाइए। हम लोगों ने देवी आपके लिए कुछ भी नहीं किया, कि हम सनातन सनातन बोलेंगे लेकिन मंदिर के लिए भी पैसा नहीं देंगे। जेपी नड्डा के बिहार दौरे को लेकर सियासत होने लगी है। जेडीयू की ओर से जेपी नड्डा पर पलटवार किया गया है, बीजेपी से सवाल भी पूछा गया है। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रमोहन है और आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार पहुंचे हैं, जगह जगह स्वागत में लोग नाच रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता झूम रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके आगमन को लेकर सियासत भी होने लगी है। अहले सुबह आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, फिर दोपहर में आनंद मोहन की मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई। हालांकि मुलाकात किस लिए हुई, क्यों हुई, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आगमन से पहले जेडीयू की ओर से जिस तरह से आरोप लगाया गया है, उसे लेकर हम ये कह सकते हैं कि जो दौरा है जेपी नड्डा का, उस पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने ये आरोप लगाया है कि कैलाशपति मिश्र के जन्मदिवस पर भले ही जेपी नड्डा बिहार पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बिहार पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उन्हें अपमान करने का काम बीजेपी कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। पितृपक्ष के कालखंड में माननीय जेपी नड्डा जी आपका पटना आगमन हो रहा है अपने राजनीतिक पितर का सम्मान करने के लिए, लेकिन सवाल दरपेश है कि श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के पैतृक गांव में जाना आपने उचित नहीं समझा। जिस धरती ने जन्म दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, उस मकान को प्रणाम करना आपको मंजूर नहीं, और अपमान का भाव आपके राजनीतिक सहयोगी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी ने गांव को गोद लिया था, तो विकास के मामले में तो गोद सुना ही रह गया, और जिस पेड़ को भी लगाया अश्विनी चौबे जी ने, वो पेड़ भी सूख गया। तो आज आप बापू सभागार में आ रहे हैं, तो गीता पर हाथ रख के जरूर बोलिएगा कि हमारे राजनीतिक पितर तो थे, लेकिन हमने जीवन के अंतिम खंड में उनकी कोई सेवा नहीं की। जब वो बीमार थे तो माननीय नीतीश कुमार जी ने उदारता के तहत, जैसे श्रद्धेय अरुण जेटली जी बिहार के निवासी नहीं थे लेकिन उनका भी राजकीय समारोह और मूर्ति बनाया, श्रद्धेय अटल जी के सम्मान में कार्यक्रम किया, तो हम तो यह समझते हैं कि आज का दिन आपको अपने द्वारा किए गए कृत्य के लिए बिहार के आम आवाम से यह स्पष्ट करना चाहिए कि राजनीतिक पितर का अपमान क्या भाजपा की कार्य संस्कृति है। साथ ही साथ आपको यह कहना चाहिए, गीता पर, भगवत गीता पर हाथ रख के बोलिएगा, चूंकि असत्य बहुत बोलते हैं आपके राजनीतिक वंश परंपरा के लोग, कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बापू सभागार जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया है, आज कार्यक्रम आप कर रहे हैं, तो आपको यह एहसास होगा, पूरा देश घूमते हैं कि कैसा शानदार जानदार हमने सभागार बनाया है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में बापू के शहादत के 75वें वर्ष की चर्चा नहीं, बाबू वीर कुंवर सिंह जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, नायक थे, उनका जो गिनीज बुक में राष्ट्रीय झंडा फहराने का जो सर्टिफिकेट जारी हुआ उसमें गृह मंत्रालय लिखा हुआ है लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं। तो अपने किए गए पाप के प्रायश्चित के लिए सबसे बेहतर होगा कि मेरिन ड्राइव बनाया है मुंबई के तर्ज पर हम लोगों ने, कृपा कर करके समय निकाल कर वहाँ चले जाइएगा, जा कर करके गंगा मैया ने बुलाया है मोदी जी ने कहा था, तो गंगा में गाद का दर्शन कर लीजिए, और वहीं से सीधा रोड है, बड़ी पटन देवी भगवती के चरण में शीश झुकाइए कि हमारे विधायक सांसद तो यहाँ 35 वर्ष से हैं, हम लोगों ने देवी आपके लिए कुछ भी नहीं किया, और माननीय नीतीश कुमार जी के निर्देश पर
7.5 करोड़ रुपया हमारे विधान पार्षदों ने और गंगा जमुनी तहजीब के तहत हिंदू विधान पार्षद भी और इस्लाम धर्म मानने वाले हमारे दल के आफाक अहमद खान विधान पार्षद, उन्होंने भी अपने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का पैसा दिया। लेकिन हम सनातन सनातन बोलेंगे लेकिन मंदिर के लिए भी पैसा नहीं देंगे, पुरखों का भी सम्मान नहीं करेंगे। इसकी सार्वजनिक रूप से आज इस पर अपनी राय व्यक्त करिए।